अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवरीवन कैन कुक। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन चीज़ पराठा, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन चीज़ पराठे के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हमने 1 kg चिकन मेंस लिया और उसमें जाएगा 1 teaspoon फुल क्रश रेड चिली, 1 teaspoon ज़ीरा, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon पिसा हुआ ज़ीरा और 1 teaspoon सॉल्ट। और इसके अलावा जाएगा 2 tablespoon भर के हमने चॉप ग्रीन चिलीज ली हैं। मेरे पास इतनी स्पाइसी नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा ली। अगर आपकी स्पाइसी हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं, और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और ये धनिया है हमारे पास थोड़ा सा, और 2 medium size के प्याज जिनको हमने चॉप कर लिए, और 1/2 cup हमारे पास चेदर चीज़ है। अब हम इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। कोरिएंडर, ये चली जाएगी इसमें चीज़, और ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसमें, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। पराठों की फिलिंग के लिए कीमा हमारा रेडी हो गया। अब हम आटा गूंदेंगे। 2 cup हमने आटा लिए और 1 cup इसमें मैदा डालेंगे, और 1/2 teaspoon अजवाइन और 2 tablespoon ऑयल। ये सब चीज़ों को मिक्स करके हम आटा गूंद लेंगे, नॉर्मल आटा। मैदा चला गया। अजवाइन और 2 tablespoon कुकिंग ऑयल। आटा हमने गूंदने के लिए डाल दिया था। आटा हमारा गूंद चुका है, इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। आटे के हमने 2 छोटे बॉल बना लिए हैं और अब हम पराठा बनाएंगे। इस पर हम थोड़ा सा बटर या घी, मैं देसी घी लगाती हूँ, पराठे में देसी घी ज़्यादा अच्छा लगता है। से हम थोड़ा अपना की इस पर चिकन का जो कीमा तैयार किया था वो लगाएंगे, और अगर इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा चीज़ डालना चाहते हैं तो हम चीज़ डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ ही पसंद है तो ऊपर चीज़ डाल लें, नहीं तो अदरवाइज हमने इसके अंदर चीज़ ऐड की हुई है।
इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह प्रेस करके ताकि पराठा हमारा खुल ना जाए। पराठा हमारा अच्छे से बिल चुका है, अब हम इसको तवे पर डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इस पर अपना पराठा डालेंगे। जी चिकन चीज़ पराठा हमारा रेडी हो चुका है। जी तो चिकन चीज़ पराठा हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।